ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के कसौली छावनी में एयरफोर्स में तैनात कर्मचारी ने अपने ही हथियार से गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार रात को जवान अपने कमरे में गया, कुछ ही देर में वहां से गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर सभी लोग वहां मौके पर पहुंचे तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन कृष्ण नंदा चौधरी खून से लथपथ पड़ा था। तभी तुरंत पुलिस को बुलाया गया और कृष्ण नंदा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोलन के कसौली छावनी में एयरफोर्स में तैनात कर्मचारी ने अपने ही हथियार से गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार रात को जवान अपने कमरे में गया, कुछ ही देर में वहां से गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर सभी लोग वहां पहुंचे तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन कृष्ण नंदा चौधरी खून से लथपथ पड़ा था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और कृष्ण नंदा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसका सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र 24 वर्ष है और वह गोमती त्रिपुरा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस जवान ने आत्महत्या क्यों की है। हमें कसौली थाने में सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति ने, जो कि एयरफोर्स जो स्टेशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने अपने आप को किसी वेपन से शूट कर लिया है। इस पे SHO कसौली मौका पे गए तो पाया गया कि ये जो डिजीज है इसका नाम कृष्णेंदु है और ये LAC की पोस्ट पे था यहाँ पे एयरफोर्स में, और त्रिपुरा का बेसिकली ये रहने वाला है। 24 ईयर्स इसकी एज है और जांच करने पे पाया गया कि इसने अपने सर्विस वेपन से अपने आप को फायर कर लिया और इसकी जो है स्पॉट पे डेथ हो गई है। इसमें फर्दर प्रोसीडिंग 174 CRPC के तहत करवाई जा रही है। बॉडी को RH सोलन शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। हम हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि क्यों ऐसा स्टेप इसने उठाया है, और फर्दर जो भी इसमें आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।